अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हो गए हम लोग की गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग को आज भी काम है क्योंकि नियाज है घर में परसों, तो काम तो लगा ही रहेगा। तो अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे। आज नाश्ते में खा रही हूँ मैं दाल जो मेरी अम्मी बना के लेकर आए है, और बहुत फेवरेट दाल है हम लोग की। है कुछ रहे ना रहे, रात में इंसान बना के खा सकता है फटाफट, झटपटी वाली दाल है ना। तो आज मेरी मम्मी दाल बना के लेकर आए सुबह सुबह। अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, फिर नाश्ता करके हम लोग जाएंगे सैलून देखते। जैसा भी ये देखो दाल, इसको बोलते हैं छड़ी दाल। छड़ी दाल एकदम टेस्टी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब खाने में, को बहुत मजा आती है। हाँ, मेरी मम्मी अभी चाय पी रहे है, जाना फोन पे बात कर रही है, अभी सब काम चल रहा है। देखो अभी सारे काम हो रहे हैं, सारे कांच के सामान है, सब ऐसा बिखरा हुआ है। और चीनी का देखो, देखो बस, मतलब हम काम करते हैं तो सब बस। ये देखो चिल्लम पुकार, शकीला, चीनू को एकदम परफेक्शन चाहिए, वरना चिल्लम पुकार करती रहती हो, ये करो वो करो, ऐसा ही चाहिए उसको। देखो पूरा कांच का माशाल्लाह, पूरा डिनर सेट हम लोग सब लेकर आए थे। अभी तो चल रही है सफाई, ऊपर काम वाली आंटी काम कर रहे हैं। अभी जो काम के मामले में बड़ी वो है, ये देखो सकीला से काम कर रहे हैं। देखे काम वाली आंटी ऊपर का काम कर रही है, अब उसका क्या करने का पसारा है बाल्टी का। देखो बाल्टी वापस आ रही है उसके अंदर, देखो सिर्फ एक बॉक्स निकाल के मारो। देखो कबाड़ के पर रख देना, कबाड़ के अंदर उधर। अभी सोफे का काम चल रहा है चीनू, इसलिए सैलून लेट जाएंगे हम लोग। काम बहुत सारा, हम लोग को सामान लेने जाने का बहुत साम, बहुत काम बाकी है। बच गए ये, इन्होंने 4 बजा दी सोफे ले पाएंगे, पकड़ते नहीं तो आते नहीं। हां हमारे सेट ऐसे ही बोलते 15 मिनट। हां सेट आते नहीं तुम्हारे, 1 बजे से देखो 4 बज गए। 1 बजे फोन लगाए थे ना, हां तो 6 नंबर पे था। अच्छा तो 6 नंबर से गया खाना लाना, हम लोग को जो काम रहता हम लोग सैलून है। ये देखो ये लड़ लेते हम लोग, 1 बजे हमारा स्वास्थ्य सेट का 15 मिनट दियो, टपली दियो। सही बात है, ये बहुत प्यारा कलर है, लेकिन कुछ भी बोलो बहुत अच्छा कलर लग रहा है जीरो, बहुत प्यारा है। ये अभी पर्दे भी चेंज होंगे ये दोनों, देखो कैसा होता फटाफट। पर्दे लगा के भी 1 साल भी नहीं हुआ, सेट ने कपड़ा कैसा दिया मालूम, अटक से गंदा हो जाता, उसपे शाइन कर दी, धो कब दिखता है। देखो कोई बोलेगा सालों साल तक पर्दा धोते नहीं हम लोग, देखो 8-8 दिन में गंदा, मालूम था कि पर्दा ही जल्दी गंदा हो तो कर देना नहीं चाहिए सेट को ना। नहीं ये मालूम है, जो लेंगे ना वो तो अच्छा ही रहेगा। लास्ट टाइम भी बोला था ये अच्छा है, वो तो हमने चॉइस ही ऐसी करे। हाँ बात है ना, मेरा क्वेश्चन हो गया, पर्दे कौन लगाएगा? पर्दे लगा लो भैया, पर्दे का वो भी नहीं है। मैं सेट ने बोले तो डंडा वाला बम मिलेगा लगाने वाला, डंडा वाला वो हार्डवेयर वाले को मिलेगा, जैसा भी लगा। ये पर्दा हमारा मैचिंग कलर एकदम मस्त फ्लावर, अच्छा लग रहा है ना। पुष्पा हम लोग की चॉइस है, पुष्पा अभी बेचारा देखो वो छतरी निकाल दो भाई, ले जाओ तुम छतरी, हाँ लेके जाओ है ना। ये काम कितना अच्छा किया ना, लेकिन तूने लास्ट टाइम एकदम चालू चपाटे वाला काम कर दिए थे। चीनू सबके आंख तो चढ़ी रहती है, नहीं चढ़ेगा तो काम नहीं होगा। झाड़ू लाए हो
ब्लॉग में आ रहे तुम लोग भी। ये बंदा जो बैठा ना, ये मेन है, ये मेन है, ये वाला बंदा हेल्पिंग हैंड। काम चल रहा है, बज गया 4 और महाराजा लोग आए थे अभी, देखते हैं आगे। देखो ये इब्लीस, हाँ ये इब्लीस औरत को देखो बस। ये देखो अभी दिमाग ज्यादा चलाएगी, खींचेगी स्प्रिंग को। ये हमारा सोफा, भाई हटो जरा साइड में, पिछवाड़ा हटा दो अपना। लो ब्लॉग में आ गए तुम। हाँ तुम आ गए, इतने खूबसूरत। ये देखो क्या मस्त लग रहा है माशाल्लाह, इधर कलर कितना मैचिंग है। अभी ये पीछे इसलिए झोल है क्योंकि अभी वो काम बाकी है और ऐसा ये लगेगा। क्या बोलते मुन्ना MBBS कैसा लग रहा है? एक नंबर लगा ना पर्दा। ओ भाई ये देखो अभी सोफे का माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है ना, अभी अच्छा लग रहा है ना ये सोफे का कपड़ा। और ये पीछे पर्दा चेंज किए हुए, पर्दा इसलिए झूल रहा है क्योंकि अभी इसको पाइप लगाना है, तो अभी अंकल गए हुए नमाज के लिए, वो आएंगे तो पूरा पाइपिंग कर देंगे। तो ऑलमोस्ट माशाल्लाह नीचे का कंप्लीट, लेकिन सारा रखा हुआ है। हमारी काम वाली आंटी ऊपर काम कर रही है और ये सिर्फ हिल रही है यहाँ से। वहाँ शकीला पूरा साफ करे, ऐसा दिल खुश हो जाए एकदम मेरा। साफ किए हुए ये लेडी डॉनर्स, और वो कल ही बोले मैं आके एक बार साफ कर दूंगी। वो अगर पूरा चप्पल का पूरा रैक वैक सब हटाए हुए, ये बहुत प्यारा कपड़ा है माशाल्लाह, दिल खुश हो गया। और ये भी मेरी चॉइस है, ये जाना की चॉइस है। और अभी इसके बाद में वो अंकल आके वो लगाएंगे सब, अंदर ही कांच भी लगनी बाकी और एसी के ऊपर का भी धूल लग रहा है बोलना पोछने के लिए इसको सब पूरा। और यहाँ पर पसारा और कुर्सी के ऊपर पसारा तो आना ही नहीं चाहिए, वो कुर्सी बीच में ना कुर्सी हो तेरे देख अभी साथ साथ पूरा। हमारी दीवानी देखो खेल रही है, आओ मग लेके ऊपर रख दे सुजैन, वॉशिंग मशीन के उसके ऊपर सुजैन हटा कुर्सी हटा, सब घर की सफाई काम हो रहा है, फिर भी काम बाकी है। आज हम लोग घर में काफी टाइम हो गया, सुबह से काम में लगे हैं, कहीं जाना था। और बोलते हैं ना कि काम भी बहुत जरूरी है, और अभी हम लोग को जाना है बाहर, बाहर का भी काम है वो भी देखना है, सैलून भी जाना है। नियाज है परसों, लेकिन काम 2-3 दिन पहले से रहता, कहीं जाने आने नहीं मिलता यार। सैलून पे हम लोग 2 दिन से नहीं जा रहे, पता है कल भी नहीं गए थे आज भी नहीं गए। कल इंशाल्लाह बेलना रहेगा, सब मेहमान भी आएंगे, आज भी आएंगे, देखते अभी जैसा भी है। कुछ लेना है घर के लिए सामान, तो देखते अभी चलते वहाँ पर। चल गए घर से, अभी जा रहे हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग जो बाकी है वो भी करने, क्योंकि निकलते निकलते भी हम लोग को 5 बज गया है। जितना जल्दी सोचो उतना ही टाइम लग रहा है, टाइम फटाफट जा रहा है। तो घर का भी संभालना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट मार के जा रहे हैं 8 नंबर से, क्योंकि रोड इतना जाम है। अभी हम लोग पूरा 8 नंबर से घुसे अंदर। मोहल्ला कौन सा मोहल्ला? पादरा मोहल्ला। यहाँ हम लोग खेला करते थे छोटे से बड़े, पकड़म पकड़ी, छुपन छुपी, आजाद पुतला, नदी का पार। हाँ वो सब गेम खेलते थे ना पहले। मेरा मोहल्ला, मेरा घर यहाँ पर है, अभी फिलहाल बंद हो गया है सब, तो यहाँ पर छोटे से बड़े हुए बहुत अच्छा लगता है। वो पीछे गया छोटे। हम लोग ने हमारे घर के लिए गालीचा भी लिए और सफरे का कपड़ा भी चाहिए था वो भी लिए, तो अभी हम लोग सब ले रहे हैं। अभी चालू है नियाज की शॉपिंग चल रही है अभी, छोटा बड़ा अभी हमको हमारे घर का सब देखना पड़ता है ना। दस्तरखान भी लिए, टॉवल भी लिए,
और ये हमारा क्या बोलते हैं कारपेट भी है और ये सब छोटे मोटे नैपकिन्स भाई की बहुत अच्छे भाव में दिया भाई ने बहुत अच्छे भाव में दिए बहुत अच्छा सफरे का 5 नंबर पे बहुत बहुत अच्छा वाकई में बहुत बहुत अच्छी है। प्रॉपर मेन बिलाल मस्जिद किसको पूछे कोई भी आपको बताए बिलाल मस्जिद हबीब टेक्सटाइल ओके बहुत अच्छा दिया आपने बहुत अच्छे भाव में दिए और अच्छे रेट में दिए सच में है ना ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैं क्या बोलूँ बच्चे का भी कुछ बताओ ना भाई क्या बच्चे आई थी कि किसी के लेना है अच्छा दे रहा बट मैं उसका नाम नहीं ले सकती बट हम लोग किसी को देना है ये तो बाद में बताएंगे आपको क्या क्या लिए हम लोग ने आज। चीनू क्या ले रही है बच्चे लोग के कपड़े कितना ली 5 जोड़ी और लो और कुछ और लेके रुको ना अरे ले लो और भी लेने की मेरे को ना बोल रही हूँ ये वाली मत लो ये अच्छी लगती है बताएंगे ना क्या ये भी लेंगे वो भी लेंगे हाँ सब ऐसा 5 कपड़ा वो दिखाएंगे। 5 नंबर की मार्केट में सामान वामान ले रहे हैं क्योंकि वक्त ही नहीं मिल रहा है कुछ और करने का सैलून पे भी क्लाइंट भी आने वाले हैं समझ नहीं आ रहा अभी क्या करूँ तो अभी देखते जैसा भी है और भी हम लोग कोई स्पेशल है उनके लिए हम लोग ने कुछ लेने आए हैं और सेम टू सेम है दिखाएंगे नहीं वो आपको कल के ब्लॉग में देखने मिलेगा कि हम लोग किसके लिए क्या लिए जो स्पेशल है तो एक जन का तो बता पाऊंगी कौन स्पेशल है दूसरे का तो नहीं बता पाऊंगी नाम भी कुछ भी बस आपको थोड़ा सा हिंग दे दूंगी मैं तो हम लोग आए हुए 5 नंबर रौनक जहाँ से हम लोग लेते हैं तो यहाँ से हम लोग ने कुछ लिया है तो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। देखो इधर बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस भी रौनक इससे पहले मैंने दिखाई थी आप दुकान देखकर समझ गए होंगे यहाँ से मैंने कुछ ली थी तो आपको पता चल ही जाएगा कि किसके लिए मैंने क्या ली थी और अब किसके लिए। ये देखो शॉपिंग ये देखो पूरा सामान है सब लेना है बट अब लेके घर भी जाना है और हम लोग को बुलाए थे नियाज में हम लोग वहाँ भी नहीं गए अब मम्मी लोग जाने वाले हैं क्योंकि पूरा घर की सफाई चल रही आप लोगों को तो पता है जब काम वाली आती है तो काम करने वाले लोग का काम कितना स्लो रहता है उनके पीछे लगना पड़ता है और परसों यहाँ से कल बेलना है तो हम लोग उसी में लगे तो मम्मी लोग को बोले कि बस कैसा भी करके आप लोग जाकर वरना बहुत खराब लगेगा हम लोग बस रात में ऐसे ही मिल लेंगे जाके या फिर टाइम मिलेगा जैसा भी क्योंकि हम लोग को भी एडजस्ट करना है बहुत सी चीज़ें। 5 नंबर की मार्केट से और जाना बोल रही मेरी बाइक को ना टेम्पू घोषित कर दे ठीक है माशाल्लाह हम लोग सफर इसी में करते हैं और इसी में सारा सामान लाते हैं ये देखो और मैं भी कैसा लेके बैठी हूँ बॉटल्स है कैसा होता है ना अभी घर के सारी जिम्मेदारी हम लोग पर ही है क्योंकि हमारी जो अम्मी है यानी जारा की अम्मी आंटी वो बिल्कुल ही बाहर निकलते नहीं है उनको समझने भी नहीं आते रस्ते और हम लोग निकलने भी देते नहीं है कि क्या तुम लेकर आएंगे सारे बटक और हाँ तो और शकीला को भेजेंगे तो एक सामान की जो अभी हम लोग ने सफाई भी कराई घर की खड़े खड़े जो मेरे हम लोग के हिसाब से और हम लोग 5 नंबर आके पूरी शॉपिंग भी कर लिए अगर शकीला होती ना तो वो रात में घर पे पहुँचती और वो भी पूरा सामान लेके हाँ और पहली बात अभी मुझे लगाना है मेहंदी क्योंकि काम है और मेहंदी भी लगानी है और देखते अभी जैसा भी जाना है कपड़ा भी लेने का है बाजू में से टाइम ही नहीं मिल रहा है किसी को बोलेंगे तो यकीन भी नहीं करेगा जान बुझ के ऐसा कर रहे बट ऐसा नहीं है काम है तो काम पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा और घर में कोई इतना बोलते ना लड़का साथ भी नहीं कि बाहर का काम वो संभालेगा और आजकल बोलते लड़के रहते तो कर लेते थोड़ा बहुत काम लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि है नहीं ज़रूरत हम लोग को बट हम लोग भी थक जाते ये करो वो करो तो बेचारे सैलॉन क्योंकि सैलॉन में टेम्पो है मैं आप लोग को दिखाती हूँ हमारी छोटी सी टेम्पो है छोटी टेम्पो ही हमारी नियाज बोलते ना सब चीज़ लेनी पड़ती हो जाती है सब चीज़ की सफाई हर चीज़ लेनी ही पड़ती है। आज का दिन तो हमारा इस सामान में गया सफाई में गया कल हम लोग को पूरा सामान लेना पड़ेगा नियाज का क्योंकि एक दिन पहले हम लोग कुंडे उंडे भी लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग घर में रखने में तो पूरी सफाई है रख सकते बट लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग ला के उसको एक दो दिन पहले रखे तो कल ही सब लेना पड़ेगा फिर हमारे भटियारे को पकड़ना पड़ेगा कल मंडप भी बाहर लगेगा इंशाल्लाह तो सब काम हम दोनों के ऊपर है।
ऊपर ना जगह नहीं रखने की, और आगे भी टेम्पो हम लोग की भर गई है। तभी देखो ये नया स्टाइल, तकले में बोलती टप लेकर लेके चल, तो मैं ऐसी जा रही हूँ सैलून के पास। और मालूम नहीं आज संडे, और संडे तो बाप रे यहाँ होम गर्दी रहती है, सब एक साथ में मार्बे घूमने निकलते हैं। क्या रहता है, बैंड कर देना चाहिए, बैंड कर दो सबको। अब ऐसा रख के चल रही है, जगह नहीं है। पूरा सामान लेके अंदर आ रही है, चल रहा है अभी आ गए, क्योंकि हम लोग का सामान वामान सब लेकर आए, तैयारी चल रही है अभी, और भी बाकी है। अभी दरी वरी लेकर आए हम लोग, और अभी देखो हम लोग किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, पर मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ। तो ये देखो गिफ्ट, देखो कंबल और ये सब कपड़े हैं, ऐसा लग रहा है बड़ी सजाए हुए घर में शादी। और ये देखो छोटा सा हम लोग की तरफ से, जामिन की तरफ से गिफ्ट है ये, और बताएंगे नहीं किसको जा रहा है, बस आप लोग देख लो। दरी बड़ी अच्छी लग रही ना, बता मैं यहाँ से अभी लेकर आए दरी, बहुत खूबसूरत है ये, बहुत बहुत बड़ी भी है ना चीनू। और मेरे बच्चे पीछे बैठ गई सुजैन, चलो फटाफट रख दो अभी। अभी चीनू लगा रही है मेहंदी, अभी हम लोग काम से फुर्सत हुई तो मेहंदी कोई नहीं लगा रहा था, जाने वाले तू तो मेहंदी लगा कम से कम, क्योंकि आंटी ने मना कर दी क्योंकि काम है, तो आंटी गए हुए है नियाज में अनवर सोनू भाई के दर। और सॉरी भाई, दिल में कुछ खराबी मत लाना कि हम लोग नियाज में नहीं आए, क्योंकि घर में आप लोगों को पता है जाना और मेरे सिवा करने वाला कोई नहीं है, और मम्मी लोग को हम लोग बाहर नहीं भेजते क्योंकि वो लोग को समझ में नहीं आता है जाना आना, और सब चीज हम लोग को देखनी पड़ती है। सुबह से हम लोग काम में लगे, अब जाकर थोड़ा बहुत काम कम्प्लीट हुआ है, बाकी और भी काम है। तो मम्मी आए है आपके इधर नियाज में, ऐसा नहीं कि घर में से कोई नहीं आया, तो हम लोग इंशाल्लाह जरूर आएंगे ऐसे आपके घर पे, और आप लोग भी आना हमारे नियाज में। और अभी जाना मुझे लगा रही है मेहंदी, रम्मो लगा रही है, रम्मो स्पेशली, रम्मो स्पेशली आए हुए हैं, रम्मो मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है। और मैं इसका आईडी यूट्यूब के इसमें अपना डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, इंस्टा पे भी वीडियो बना के डालूंगी, प्लीज रम्मो को ऑर्डर दो, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है माशाल्लाह, लगा चुके मेहंदी और बहुत फास्ट लगाती माशाल्लाह, और डिजाइन भी एक नंबर रहती है। एंड रम्मो मेरी फेवरेट को भी लगा के आई हुई है, हाँ है ना, शनाया, शनाया जाना की बहुत फेवरेट है शनाया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जरूर शनाया को बुलाऊंगी अपने सैलून पे, और इंशाल्लाह मैं तो ये बार बर्थडे में भी सोची थी शनाया कैसा कैसा करके बुला लूं, बट मुझे बोलते ना जाना ढूंढ के निकालती है सब, मुझे इतना समझता नहीं है, पर इंशाल्लाह मैं जरूर बुलाऊंगी। और तुम जाकर आए जाना की फेवरेट को लगाने है ना, हाँ। तब ये देखो ये पर्दे माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गए, पर्दे पूरे लग चुके हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है पर्दा। और शकीला हमारी ना एक दाग तो करके जाती है हमारी शकीला, कोई काम धंधे की है नहीं हमारी शकीला। और ये देखो ये मेरा बहुत फेवरेट, ये तो मेरा बहुत फेवरेट, ये देखो सब अकेले करना बोलते ना खाने का काम नहीं है, जेंट्स रहता है तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, और आप लोगों को पता है हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है, लेकिन हम लोग भी किसी से कम नहीं है ना काम करने में, लेकिन थोड़ा सा बहुत बोलते ना सैलून संभालो, फिर जाना का काम भी चार पांच दिन से इतना है कि उसको भी कॉलेज के लिए जाना आना पड़ रहा है, और फिर घर में देखो सब चीज करनी पड़ती है। तो मिलते हैं आपको बाद में आगे, चलते मिलते हैं, चलो घुमा दे, स्लो गया वो, फांसी था, फास्ट था ये, हो रहा था फास्ट, हाँ देखो हाँ बस बस हो गया पूरा काम मेरे से करवा रही, पूरा 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 काम पोछना ये करना वो करना सब मेरे से, परेशान करती लड़की मेरे को बहुत। अरे देखो बताओ पूरी मेहंदी, तो ये फाइनली मेरी मेहंदी लग गई और बहुत अच्छी लगाई माशाल्लाह। मोने इससे पहले भी 2 साल पहले भी रम्मू आई थी हमारे घर पे लगाने के लिए, और फटाफट भी लगाई, ज्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगा, थोड़े से हम लोग मस्ती मजाक करते बैठे थे, और फिर मेहंदी सूखने तो टाइम लगती है ना, बताओ बताओ जामिन माशाल्लाह बहुत अच्छी डिजाइन है, कलर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा ही, हाँ। और रम्मू की आईडी हम लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और इंस्टा पे वीडियो बना कर डाला हुआ है, रम्मो की आईडी भी है, रम्मो क्या है, रम्मो
रमो मेकअप आर्टिस्ट। हाँ मैंने टैग किया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो वीडियोस, आप जाकर देख सकते हो। हमारी आईडी पे जाएंगे तो उनकी भी आईडी आपको मिले, कॉलेब किया हुआ है, तो आप जाकर मैसेज कॉल भी आप कर सकते हो। और बहुत अच्छी लगाती है, और ब्राइडल मेहंदी भी एक नंबर लगाती है, बहुत अच्छी माशाल्लाह। आप जाके डिजाइन देख सकते हो सारी चीजें। तो अभी हम लोग निकलेंगे, हम लोगों को कहीं जाना है। हाँ, देखो रात के 11:30 बज रहे हैं, देख लो। हम लोग को जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग को काम भी है, साढ़े हम लोग को याद आ रही है। हाँ सही सही सही। हाँ और काम है, काम मोस्ट इम्पोर्टेंट, काम भी है, और रम्मो को छोड़ना भी है, क्योंकि हाँ। वो भी जोगेश्वरी से आई है, जोगेश्वरी में भी हम लोग को काम है, जाना को किसी से पेमेंट भी लेना है, और थोड़ा सा मीटिंग भी, थोड़ी सी बातचीत भी है। आप लोग बोले 11:30 क्या मीटिंग है, हाँ। तो रात में भी आते हैं लोग, हाँ। बात होती है, पैसा लेने का मनी 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 के बिना तो कुछ काम नहीं है, हाँ। तो उसके बाद हम लोग कहीं जाना भी है, वहाँ से भी हम लोग कुछ लेना है, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो कल इंशाल्लाह न्यास की शुरुआत स्टार्ट होगी, आपको देखने मिलेगा कल के व्लॉग में। तभी चलते है जहाँ हम लोग को जाना है वहाँ। चलो फटाफट में आ रहे हैं, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं इतनी रात में भी रिक्शे में, तो बता देती हूँ, बता दूँ, संदल भी जा रहा है, तभी आप लोग समझ ही जाओ कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। बोल देती है ना, बोल दो ना। तो हम लोग आए हमारी माँ के पास, बिल्कुल मिलने के लिए उनसे, और संदल भी जा रहा है माशाल्लाह। झूला बंद हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, मेरे को लग रहा है झूला चालू तो नहीं है रात भर, और देखते हैं अभी वहाँ जाकर, क्योंकि फेस नहीं आ रहा बराबर हम लोग का, ये देखो। तो मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, संदल जा रहा है माशाल्लाह, सब मेरे में से भी आ रहे, संदल में से भी आ रहे। रसादो कितना प्यारा है, चलो भाई सीधा ही चलना, बहुत प्यारी रौनक है माशाल्लाह, ये देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा, सब बहुत ज्यादा ही गर्दी है। कितने मेला चालू है अभी तक, मेला तो बंद हो गया होगा, बट देखो आलू के पराठे ने क्या हलवे हलवा हलवा पराठा, और सिर्फ हम लोग ही जा रहे हैं। तो देखिए हमारी माँ 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 सब बस सब देखे, तो हमारे रिक्शा भी अंदर आ गए, इतना अच्छा लग रहा है, कोई रिक्शा नहीं है, हमारी रिक्शा है, अच्छा लग रहा है। क्या कुछ बोलते हैं, बच्चा माँ का बच्चा और डैडी का बच्चा, लेती रखे और ऐसी बोलते सरकार है ना, है ना। हाँ तो बिल्कुल, तो तुमने अंदर आके सब लोग देखने को बहुत अच्छा लग रहा है, अर्चना बन गई आज माशाल्लाह भैया, देखो कितनी लाइट कितनी रौनक लग रही, माशाल्लाह बंगड़ी बंगड़ी सब मिल रही है। मैं दिखाती हूँ आप लोग को पराठा, ऐसा लग रहा है कि अभी हलवा पराठा, हलवा पराठा सॉरी, और ये हार जाना खाने का दिल कर रहा है मुझे लगता है। देखो देखो भी बोलते ना एकदम चांदशाह अली दरगाह सलामी देते पहले, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, वो बहुत खुशी हो रही है, और मैंने बोलती अल्लाह किसी 11 रुपए गरीबी तो दूंगी, दो में से कोई एक जीत जीता चाहिए, तो मैं 11 रुपए किसी गरीबी तो दूंगी, दोनों में से कोई एक जीत गया मंडली जबरदस्ती। यो मेरा आलू है, अभी देखो क्या होता है। आ गए माँ के घर पे, देखो मेला भी चालू अभी, बोल बोल वंदना 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 मेला, ओ माय गॉड कैसन बैठेंगे इस पे, बाप रे गए तो मेरे को बहुत हो रही है यार, फाइनली अच्छा मंडली, हम लोग ने भी मंडली बनाए है ना, मंडली बहुत अच्छी रहती है ना, मंडली हमेशा सही रहती है। देखे फिर हम लोग की मंडली है भाई, तो एमसी स्टैंड जीत गए, क्या बोलते हैं वंदरम वंदरम कतरम कतरम कसम, सब मुंह देखेंगे मेरा, चलता लाके तू, मैं तो बैठ ही नहीं पाऊँ।
जाएगी। और अपनी बहन से भी मिलने, माँ से भी मिलने, सबसे मिलने गए थे। सब तैयारी कर रहे हैं, थक गए, आवाज देख सकते हो, सुन सकते हो आप लोग। तो बस इतना ही बोलेंगे, दुआ में याद रखो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अल्लाह हाफिज़।